नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ संतोष कुमार पार्थ और इस वक्त हम हैं हिलसा के प्रखंड कार्यालय कैंपस में और इस वक्त हमें CPM IM के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं जहाँ कॉमरेड गोविंद जी का शहादत दिवस मनाया जा रहा है और सभा में तकदील है। क्या नाम हुआ आपका? जनार्दन प्रसाद। बताइए कि आज क्या हो रहा है यहाँ? आज हो रहा है कि 1993 में गैट समझौता और डंकल प्रस्ताव के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था CPIM के द्वारा, उसमें हम लोग भी मौजूद थे, कॉमरेड गोविंद प्रसाद भी थे और सारे लोग, सैकड़ों लोग थे। उसके विरोध करने में CEO बिंदा प्रसाद ने उससे भड़क गया और कहा, इतना रैली लेकर के आया और सरकार की दलाली कर रहा था और उसने तड़ातड़ अपने फौजों द्वारा, अपना जो पुलिस था उसके द्वारा गोली चला दिया और स्पॉट पर ही उनका डेथ हो गया। हम लोग भी यहाँ से हवड़ा के सब लोग भागे, हमारे 5-6 साथी घायल हो गए और उसके बाद से लगातार हम लोग जो सरकार की गलत नीतियां हैं और वो नीति आज भी बरकरार है इसके शासन में, आज भी हमारे देश के अंदर काले कानून लाए जा रहे हैं, जैसे किसान के लिए जो है, किसानों के खिलाफ ये जो काला कानून लाया है उसके खिलाफ भी आंदोलन चल रहा है, इसके खिलाफ भी हम लोग, नया जो कृषि कानून उन्होंने लाया उसके खिलाफ भी हम लोग लड़ रहे हैं। मतलब लगातार महंगाई, बेरोजगारी, जो भी सरकार जो है जनता के खिलाफ जन विरोधी नीति लाती है, हम लोग लगातार ये सब विरोध करते हैं और हर एक साल हम लोग यहाँ शहादत दिवस मनाते हैं और प्रेरणा लेते हैं और हम लोग संकल्प लेते हैं कि हम लोग जो काम को, हमारे अधूरा काम को छोड़ के कॉमरेड गोविंद प्रसाद चले गए हैं, उस काम को हम जारी रखेंगे और जनता की गोलबंदी पर, किसान मजदूर नौजवान महिलाओं की गोलबंदी पर हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे जब तक कि समाज में कोई नया विकल्प हमारे देश के किसान मजदूरों के हित में नहीं पैदा हो जाता है, तब तक यह लड़ाई हम लोग जारी रखेंगे। आज 29वां है दिवस है और आगे भी हमारी लड़ाई चलेगी, हम शहादत दिवस मनाते रहेंगे। 29वां है, 29वां शहादत दिवस है। आप ये कॉमरेड बताइए कि कॉमरेड कहाँ से कहाँ तक ये निकला है आपका रैली, पहले निकाला गया थे? ये रैली निकली हमारे ऑफिस से जो बिहार बस स्टैंड पर है, वहाँ से एकदम गई पटेल नगर तक एकदम जो है वो, और पटेल नगर से फिर वापस हुआ, वापस होकर फिर यहाँ सड़कों पर नाराबाजी कर रहे थे। हाँ, सड़कों पर बिल्कुल जो नाराबाजी किया है, हम शहीद दिवस मना रहे हैं गोविंद प्रसाद का, गोविंद सब केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोले हुए थे। केंद्र सरकार नहीं, स्टेट सरकार के भी, राज्य सरकार भी खिलाफ, क्योंकि उस वक्त तो जो CEO राज्य सरकार का है, राज्य सरकार ने गोली चलवाई थी, आज भी राज्य सरकार की वही गति है। आप भी जो BJP कहती है वही नीतीश कुमार मानते हैं, BJP की सरकार है भी चल रही है, नीतीश कुमार की सरकार नहीं है। जात पात पर जो बना रहे हैं, अपना चीफ मिनिस्टर बन जाए, लेकिन आज भी वो चूँकि डर के मारे उन्होंने BJP से समझौता किया, उस पर सृजन घोटाला का केस था, सृजन घोटाला में फंसे हुए थे, इसलिए उन्होंने समझौता किया BJP से और BJP और CPM के जिला कमेटी के महिलाओं से बोल रहे हैं कि जब से मजदूरों किसान की लड़ाई गोविंद प्रसाद लड़ते थे सब गरीबों के लिए, किसानों के लिए, उस समय हम लोग भी हैं।